अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। काफी टाइम बाद हम एक न्यू वीडियो बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे किमामी सिवैया। उसके लिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 20 से 25 बादाम, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और किशमिश है 20 से 25, 15 से 20 ये पिस्ता लिया हुआ है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, 15 से 20 काजू हैं, 50 ग्राम हमारा खोया है, एक छोटी प्याली चीनी ली हुई है, 100 ग्राम मेरी सिवैया है। तो सबसे पहले हम पैन के अंदर 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इसमें मैं जो मैंने आपको ये सारे ड्राई फ्रूट्स दिखाए थे, इसको हम रोस्ट करेंगे। देसी घी में हम इसको इसलिए रोस्ट करेंगे क्योंकि इसमें इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो घी यहाँ पर गर्म हो चुका है, ज्यादा हम इसको गर्म नहीं करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काजू, सॉरी बादाम, मैं काजू भूल गई, और ये काजू डाल दिए, ये पिस्ता। तो अब हम इनको रोस्ट कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे किशमिश। अब हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, तो इसमें से जब खुशबू आने लगे तो हम इसको उतार लेंगे। और ये देखिए नट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे, ज़्यादा हम इनको रोस्ट नहीं करेंगे, और इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। और ये देखिए, इसी में हम थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे, और फिर इसमें हम जो मैंने आपको ये सिवैया दिखाई थी इनको रोस्ट करेंगे। थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन जब इनका कलर हो जाएगा तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। हमें इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही करना है, वरना ये जल जाएंगी। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। ये मैंने सारी बाउल में निकाल ली हैं। इसी पैन के अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और इसमें उबाल आने तक इसको हम रखेंगे। फिर इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें एक पिंच जर्दे का रंग डालेंगे। ये देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाई थी, और इसको एक बार हम चला देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर एक पिंच फूड कलर डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है हमको, वरना डार्क कलर हो जाएगा सिवैयों का। तो इसको मिला देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो चुकी है, और हम इसके अंदर सारे नट्स को ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। ये देखिए, नट्स को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सिवैयों को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इसका पानी खुशक होने तक पकने देंगे, इसको हम कवर कर देंगे। एक बार हम इसको बीच में चेक करके और इसका हम चला देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो किया हुआ है। ये देखिए, सिवैयों का पानी एकदम से खुशक हो चुका है, और ये बहुत जल्दी से बन जाती हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, और खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। आप इनको एक बार ज़रूर बनाएं। और हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और खोया हम इसके ऊपर बाद में डालेंगे, क्योंकि हम अगर गर्म में डालेंगे तो खोया एकदम मेल्ट हो जाएगा। फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। और ये देखिए, मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, और ऊपर से मैंने इसके ऊपर खोया डाल दिया है, और ये हमारी किमामी सिवैया बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।